हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इस वीडियो में हम पैरा जंबल्स के कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जिसे रीअरेंजमेंट ऑफ द जंबल्ड सेंटेंस भी कहा जाता है। कि हमारे पास कुछ सेंटेंस जो है जंबल्ड फॉर्म में दिए जाते हैं और उन्हें हमें जो है करेक्ट सेंटेंस में, करेक्ट ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना होता है, जिसे पैरा जंबल्स कहा जाता है और कॉमनली PQRS जो है इसे कहा जाता है। एक एक्सरसाइज हम कल कर चुके हैं और आज जो है अगली एक्सरसाइज होगी, तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है और आपको इसको अरेंज करने की कोशिश करनी है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में हमारे पास जो है PQRS जो है यहाँ पर दिया गया है, इनको अरेंज कीजिए। सबसे पहले हमें क्या सोचना होता है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। पहला पढ़िए, एट स्टैक देन बेस्ट वे, क्या पी जो है वो पहला सेंटेंस होता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब क्यू जो है, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट Among potential customer, तो यहाँ पर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। अब जो है आप करेक्ट अगर देखेंगे क्या होगा, एस जो का पहला सेंटेंस हो सकता है, when the pride of the brand's name, तो क्या होगा एस, when the pride of brand name is at the stock, then the best way to ensure The business supremacy is to create awareness of the product among the potential customer. तो आप देख लीजिए, एस से जो स्टार्ट होने वाले ऑप्शन है वो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सी। तो एस पी आर क्यू जो होगा वो आपका सही होगा। इसे एक बार चेक कर लीजिए क्या जो है वो सिक्वेंस बनती है। पहला है when the pride of brand name is at the stock, then the best way to create to ensure the business supremacy is to create the awareness. तो इज टू क्रिएट द प्रोडक्ट अवेयरनेस एमंग द पोटेंशियल कस्टमर। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास आ चुका है। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दिस पार्ट विच आर लेबल्ड PQRS टू प्रोड्यूस द करेक्ट सिक्वेंस। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है करेक्ट सिक्वेंस में जो है अरेंज करना है। पढ़िए, छोटा सा PQRS है। पहला सेंटेंस, ओवर ऑल कोड्स बी पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस, सी आर ईच हाई कोर्ट हैज एंड एस विद इन द जुरिस्डिक्शन। अच्छा, सुपर इंटेंडेंस क्या होता है? निगरानी करना। जैसे कि हाई कोर्ट जो है अपने एरिया के जितने भी जो है दूसरे छोटे कोर्ट होते हैं उनकी निगरानी करता है, जो भी उसके जुरिस्डिक्शन में होते हैं। तो सेंटेंस को अब रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल जो है हमें यहाँ पर जो है पैराग्राफ बनाना है। तो क्या होगा, ईच हाई कोर्ट हैज, क्या होगा पहला सेंटेंस जो होगा, ईच हाई कोर्ट हैज पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस, ठीक है, और फिर होगा विद इन इट्स ज्यूरिस्डिक्शन ओवर ऑल द कोर्ट। तो क्या सेंटेंस बना, पहला आर बना, आर के बाद बना हमारे पास क्यू बना, क्यू के बाद हमारे पास एस बना, और एस के बाद जो होगा वो हमारे पास पी बना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका करेक्ट होगा। तो किस तरीके से हमने लिंक बनाने हैं ये देखना है, कि लिंक बनाना है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर थ्री को पढ़िए और यहां पर लिंक बनाने की कोशिश करिए। पहले तो ये सोचिए कि पहला सेंटेंस क्या होगा, फिर पहले सेंटेंस के साथ दूसरा क्या लिंक बनेगा, और इस तरीके से जो है चारों सेंटेंस सोचने हैं। तो आप देख लीजिए, यहां पर जो पहला सेंटेंस होने वाला है वो क्या होगा, वो होगा पी, ए मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर जो होता है इज कैपेबल ऑफ इनवेडिंग द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। अब है कि आर होगा पहला या क्यू होगा, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर के बाद जो है इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल, द लिम्फ सिस्टम एंड नर्व्स। तो आपका जो सही होगा वो क्या होगा, पहले एस होगा, एस के बाद जो है वो सॉरी पहले पी होगा, पी के बाद जो है एस होगा, एस के बाद जो है आर होगा, आर के बाद जो होगा वो क्यू होगा। तो ये आपका जो है वो सही सीक्वेंस बनने वाला है। आगे चलेंगे, आगे एक और हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है आज का, जिसको देखिए इसमें अगले पेज पे इसका प्रिंट चला गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दिस पार्ट विच आर लेबल्ड PQRS टू प्रोड्यूस द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर है बायोडाइवर्सिटी एंड चेंजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न 10-, बी जो होगा मैन थ्रो हिज टूल्स, एंड जो होगा हमारे पास लीडिंग टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज कॉज द डिप्लीशन ऑफ। तो सही क्या होगा, पहला हमारे पास जो होगा पहला सेंटेंस जो होगा वो ये हो सकता है, मैन थ्रो हिज टूल्स हैज कास्ट, ठीक है। तो मैन ये हो सकता है क्यू के बाद जो है एस हो,
मैन थ्रू हिज टूल हैज का द डिप्लीशन ऑफ, डिप्लीशन किसकी, ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड चेंजेस इन क्लाइमेटिक पैटर्न एंड दस लीडिंग टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। तो पहला क्या बन गया, पहला क्यू बन गया, क्यू के बाद एस बन गया, एस के बाद पी बन गया, और पी के बाद जो होगा आपका क्यू, सॉरी पी के बाद जो होगा वो आर बनेगा। तो क्यू एस पी आर जो होगा ये आपका सही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और आप यहां पर देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। पहला सेंटेंस है, डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर बेटर फ्यूचर, कंजर्वेशन कंजर्वेशनिस्ट, तो यहां पर शायद स्पेलिंग गलत हो गई है, इग्नोर कीजिए, हैव द व्यू दैट आर जो होगा इन वे दैट आर नॉट वेस्टफुल बट ओनली वेन द चेंजेस अकर। तो क्या यहाँ पर होगा पहला सेंटेंस ये बताने की कोशिश करिए। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला जो होगा हमारे पास सेंटेंस वो होगा, कंजर्वेशनिस्ट जो हैव द व्यू डैट डेवलपमेंट जो है वो इज नेसेसरी। दूसरा जो होगा वो क्यू के है, क्यू के बाद जो है वो आर होगा, कि डेवलपमेंट जो है वो नेसेसरी है फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर फ्यूचर बट ओनली वेन द चेंजेस अकर, लेकिन हमेशा डेवलपमेंट बेटर नहीं होगी, तो हमेशा डेवलपमेंट जो है वो बेटर नहीं होगी, ठीक है, इन वेज डेट आर नॉट वेस्टफुल, अगर वो वेस्टफुल ना हो तो वो जो है वो बेटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू आर एस क्यू आर सॉरी क्यू पी जो है, क्यू जो है पी होगा, क्यू पी एस आर होगा। अगला हमारे पास सेंटेंस होगा, इसको आप अरेंज करेंगे, चलिए इतने ही है, ठीक है, तो इतने ही है, इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं, बाकी जो है हम क्विज जो है कराते रहेंगे सोशल मीडिया पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।